आशा सहयोगिनी के साथ प्रधानाचार्य ने गाली कलौट व मारपीट की धमकी दी। थाने में नहीं हुई कार्यवाही, पुलिस उपाधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। नैनवा उपखंड क्षेत्र के लांबाबड़ा गांव में सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा आशा सहयोगिनियों के साथ गाली गलौज का मामला सामने आया है। मामले में देई थाना पुलिस द्वारा रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं होने पर पीड़ित ने अब नैनवा पुलिस उपाधीक्षक को परिवाद सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया, आशा सहयोगिनी ने बताया कि 2 अक्टूबर को लांबाबड़ा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र पर मेगा वैक्सीनेशन लगा शिविर लगा था, जिसमें आशा सहयोगिनी द्वारा प्रधानाध्यापक किशनलाल नागर से शिक्षक उपलब्ध करवाने के लिए स्कूल में गई थी, जहां पर प्रधानाध्यापक ने आक्रोशित होते हुए गाली गलौज फिर से बाहर निकाल दिया, जिस पीड़िता रोते हुए वापस आंगनबाड़ी केंद्र पर आई और घटना की जानकारी वहां मौजूद ANM को देने के साथ ही उपखंड अधिकारी को फोन पर मामले की पूरी जानकारी दी, जिसे एक बार फिर आक्रोशित प्रधानाध्यापक वहां भी पहुंच गया और वहां पर वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों के सामने ही फिर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने पर उतारू होने लगा, जिससे डरी सहमी आशा सहयोगिनी ने अपने पति के साथ देई थाने पहुंची और प्रधानाध्यापक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट सौंपी। लेकिन पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने से आहत आशा सहयोगिनी ने नैनवा पहुंचकर अब पुलिस उपाधीक्षक से न्याय गुहार लगाई है। पॉपुलर न्यूज ऐप से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूले, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।